देशात चालू आहे। काँग्रेस पक्षाला मोठा धक्का बसलाय। लोकसभा सचिवालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधींची खासदारकी रद्द केली आहे। गुरुवारी सूरत कोर्टाने राहुल गांधींना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने ही कारवाई केली आहे आणि त्यामुळे केंद्रातलं राजकारण ढवळून निघालंय। राहुल गांधींची खासदारकी रद्द, लोकसभा अध्यक्षांचा फैसला, काँग्रेस पक्षाला जबर धक्का। बदनामीच्या खटल्यात सूरत कोर्टाने 2 वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर 24 तासातच काँग्रेस नेते राहुल गांधींना दुसरा धक्का बसला। त्यांचं लोकसभेतील सदस्यत्व रद्द करण्यात आलंय। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ही कारवाई केली। राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाल्यामुळे पाहायला मिळालं। राहुल जी को डिस्क्वालिफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। 2019 लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान राहुल गांधींनी मोदी अडवाणींवरून कथित आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती। नीरव मोदी, ललित मोदी आणि नरेंद्र मोदींचं आडनाव एकसारखं कसं, असं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं। या प्रकरणी राहुल गांधींविरोधात सुरतमध्ये बदनामीचा खटला दाखल करण्यात आला होता। गुरुवारी कोर्टानं राहुल गांधींना दोषी ठरवून शिक्षा ठोठावली, तसंच त्यांना वरच्या कोर्टात दाद मागता यावी म्हणून कोर्टानं शिक्षेला 30 दिवसांसाठी स्थगिती दिली। या प्रकरणी राहुल गांधींना जामीनही मंजूर करण्यात आला। कोर्टाच्या निकालानंतर लोकसभा सचिवालयानं राहुल गांधींचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द केलं। सूझे बूझे तरीके से इस सरकार ने हर गणतांत्रिक संस्था को खत्म करने का प्रयत्न किया है। सबसे बड़ी संस्था उनके मायने में जो उनके लिए बाधा है वो है स्वतंत्र, निष्पक्ष, निडर बोलना। जहां मुंह खोले झूठे बेमानी केसेस दायर करिए, डराइए, धमकाइए और हम आश्वस्त हैं कानूनी प्रक्रिया में कि हम जीतेंगे, स्टे ऑफ कन्विक्शन हमें मिलेगा। शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ जिस तीव्रता से यह निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रह गए। राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर राजधानी दिल्लीतील राजकीय वातावरण ढवळून निघालंय। भाजपकडून राहुल गांधींना जाणीवपूर्वक टार्गेट केलं जात असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला, तर भाजपनं काँग्रेसचे आरोप फेटाळून लावले। वरिष्ठ लॉयर कपिल सिब्बल जीने काल ही कहा था, जजमेंट के साथ साथ सदस्यता जाना तय है। ये बहाना दिखाया जाता कि 30 दिन की समय था, ऐसा नहीं था। कानून कहती है सदस्यता आरोप सिद्ध होने के साथ साथ, दंड विधान होने के साथ साथ चली जाएगी। राहुल गांधींवरून आता काँग्रेस आणि भाजप आमने सामने आले, त्यामुळे आगामी काळात यावरून राजकीय संघर्ष पेटण्याची शक्यता वर्तवली जाते। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत।